ये हमारे भाई है जो कि जे स्पाइडर में पढ़ते हैं, भास्कर भाई है। भास्कर कहाँ से आए भाई? बिहार पटना से। बिहार पटना से। और कितना दिन हो गया? अभी तो 10 दिन हुआ है। अच्छा, जे स्पाइडर में ज्वाइन किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाही व्लॉग्स। भाई कुछ दिन पहले हमने अपने इंस्टाग्राम शाही व्लॉग के इंस्टाग्राम पे हमने एक पोस्ट डाला था और पूछा था कि भाई आप नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट के बारे में चाहते हो। हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें ये सजेस्ट किया था, हमसे ये पूछा था कि आप जे स्पाइडर्स के बारे में अपडेटेड वीडियो लेकर के आओ, हमें बताओ कि वहाँ पर कोर्स कौन कौन से अवेलेबल है, ड्यूरेशन क्या होने वाला है, उनकी फ़ीस क्या है, जॉब का स्टेटस क्या है, क्या पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं। ये सारी डिटेल्स अभी हम जाने वाले हैं जे स्पाइडर BTM लेआउट ब्रांच में और पूरा हम लोग डिटेल में पता करेंगे और आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा, आप हमें DM कर लीजिएगा, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हम आपको रिप्लाई कर देंगे और आपका जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हैं जे स्पाइडर्स क्यू स्पाइडर्स के पास में और जस्ट हमारे थोड़ा सा पीछे है जे स्पाइडर्स क्यू स्पाइडर्स, पहले क्यू स्पाइडर्स है फिर जे स्पाइडर्स है। तो आज जो हम जाने वाले हैं वो जाने वाले हैं जे स्पाइडर्स में, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे क्यू स्पाइडर्स का। ये वाली जो बिल्डिंग है हमारी, ये जे स्पाइडर्स की है और उसके बगल वाली जो बिल्डिंग है ये क्यू स्पाइडर्स और पाई स्पाइडर्स भी इसी के अंदर है। तो ये पूरी बिल्डिंग रही, अभी अंदर चलते हैं और पूरा फुल डिटेल लेते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पे मिलने वाला है, फीस क्या होने वाला है, कोर्सेज क्या मिलने वाला है, टॉपिक्स क्या कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो भाई हम लोग आ चुके हैं इंक्वायरी करके जे स्पाइडर से बाहर और फुल डिटेल में हमने इंक्वायरी किया है, करीब करीब 1 घंटे तक हमने इंक्वायरी की है, फीस के बारे में पूछा, कोर्सेज के बारे में पूछा है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे इसके बारे में भी पूछा है और कितने दिन का ये कोर्स होने वाला है, ड्यूरेशन क्या होने वाला है ये भी पूछा है, जॉब कैसे लगती है, क्या प्रोसेस होता है, पैकेज हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल्स में पूछा है। कुछ स्टूडेंट से भी बात की है हमने। अगर आप बेंगलोर आ रहे हैं या फिर आप कोर्सेज से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, आप कंफ्यूजन में हैं क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, किस में आपको जल्दी जॉब लगेगी, इन सब से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कुछ भी आपको जानना है, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको 1-on-1 क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपका जो भी डाउट रहेगा उसको हम क्लियर करेंगे। ये हमारे भाई है जो कि जे स्पाइडर में पढ़ते हैं, भास्कर भाई है। भास्कर कहाँ से आए भाई? बिहार पटना से। बिहार पटना से। और कितना दिन हो गया? अभी तो 10 दिन हुआ है। अच्छा, जे स्पाइडर में ज्वाइन किया, सब ठीक ठाक चल रहा है? सब बढ़िया। चलिए ठीक है। ये सिंगल रहते हैं रूम में और ये जो पीजी है जे स्पाइडर के नियर बाई है, तो इनको हमने पीजी दिलवा दिया था। कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी पीजी लेने में? नहीं, बहुत आसानी से मिल गया, आपसे पहला बात किया और अब मिल गया मेरे को। चलिए, और खाना वाना कैसा है पीजी का? खाना ठीक है। देखिए इनको तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर ठीक हो जाता है। हाँ वो तो होता ही है। इनका रूम देख लीजिए, ये 2 बेड है, बेसिकली ये 2 सीटर रूम है, तो 2 सीटर को सिंगल रूम में कन्वर्ट करके दिया है। और ये आपको कबर्ड मिल जाता है, इस साइड आपका वॉशरूम है। तो यही है भाई, स्ट्रगल वाली लाइफ है ना भाई? हाँ बिल्कुल। कितना फीस लिया? 42,000। वो तो 41,900 समथिंग है ना? नहीं, 50 तो 50 रुपीस का तो है। हाँ चलिए, 42,000 रुपीस फीस लगा है भाई का। जो फ्रेशर होते हैं उनको थोड़ा सा कम रहता है, तो उनके बारे में हम बताएंगे आपको डिटेल में चल करके। अभी जस्ट भाई से मिलने के लिए आ गए थे। कितना कितना का पैकेज लग जाता है सबका? अप्रोक्स
3 लाख टू 5 लाख एवरेज दिखा रहे हैं। एवरेज यही है 3 लाख 3.5। और आपका ब्रांच क्या था? मेरा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस ही। तो गाइस सारा डिटेल्स लेकर के हम आ चुके हैं अपने रूम पे और ये देख सकते हैं ये सारा डिटेल्स रहा जे स्पाइडर का। उनका कोर्स क्या होने वाला है, कोर्स का फीस क्या होने वाला है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होने वाला है और सिलेबस क्या क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिया हुआ है डिटेल में। तो चलिए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि कितने दिन में आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, कौन कौन से स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे, फ्रेशर्स के लिए कौन कौन से स्किल्स सिखाए जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड वाले बंदों के लिए कौन कौन से स्किल्स सिखाए जाएंगे, कौन कौन स्टूडेंट्स फ्रेशर में काउंट किए जाएंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस्ड में काउंट किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनका प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या होने वाला है, आपको कितने दिन में प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ तक वीडियो देखा है तो भाई यहाँ से अब आगे पूरा देखो क्योंकि मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। और अगर वीडियो पसंद आता है, हमारा काम पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा हमारा ये वीडियो। कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है उससे रिलेटेड भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप बैंगलोर आने का प्लान कर रहे हैं या फिर किसी कोर्स से रिलेटेड आप बैंगलोर आना चाहते हैं या जॉब से रिलेटेड बैंगलोर आना चाहते हैं, आप कंफ्यूजन में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइएगा वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपका जो भी क्वेरी होगा, आपका जो भी डाउट होगा वहाँ पे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ जे स्पाइडर्स का जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कितने दिन का होता है, इनका सिलेबस क्या है, प्लेसमेंट प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले अगर हम बात करें जे स्पाइडर्स में कोर्सेज की, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे ही आप जाएंगे और जब आप प्रोस्पेक्टस लेंगे तो इसी के अंदर दिया हुआ है 3 टाइप के कोर्स यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डेवलपमेंट का कोर्स है, उनका सारा आपका सिलेबस भी लिखा हुआ है। उसके बाद फिर मर्न स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है, उनका भी सारा आपका सिलेबस लिखा हुआ है। उसके बाद फिर जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है, उनका भी सारा यहाँ पे आपका सिलेबस लिखा हुआ है। 4 मंथ्स 5 मंथ्स 5 मंथ्स ऑन पेपर इन्होंने ड्यूरेशन लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मार्केट में इसी का डिमांड है। सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती है वो फुल स्टैक डेवलपर के लिए ही आती है, इसलिए सबसे ज़्यादा डिमांड जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के लिए ही होता है और इसी के लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे कोर्स करने। कौन कौन से स्टूडेंट कोर्स कर सकते हैं? कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ये कोर्स कर सकता है, लेकिन बेटर होगा कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, लाइक इंजीनियर हो या फिर BCA के स्टूडेंट हो, MCA के स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए ये कोर्स बेटर होने वाला है। अगर आप BSc के स्टूडेंट्स हैं या फिर BA के हैं या फिर BCom के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आप इस कोर्स को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं आपको बता देता हूँ जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपका सिलेबस क्या होने वाला है। आपका सिलेबस आप देख सकते हैं, कोर जावा, SQL, लॉजिकल प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, वेब टेक्नोलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, रिएक्ट JS, ये सारे लिस्ट है इनके सिलेबस के, जो कि मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, इनका कोर्स जो है वो 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। एक तो आपके फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है, दूसरा एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए है। फ्रेशर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? फ्रेशर स्टूडेंट्स वो होंगे जो कि 2023 में पास आउट हुए हैं या फिर 2024 में आ रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर में काउंट किए जाएंगे। 2023 से पहले के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, लाइक 2022 के स्टूडेंट्स हैं, 2021 के स्टूडेंट्स हैं, 2020 के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड में काउंट किए जाएंगे। ऑलमोस्ट सिलेबस जो होता है वो सिमिलर होता है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड वाले बंदों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। उनको कुछ ज़्यादा स्किल सीखनी पड़ती है, कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनको सीखनी पड़ती है और उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है प्लेसमेंट लेना, उनका अलग प्रोसेस है। पहले मैं फ्रेशर वालों का एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा प्रोसेस, उसके बाद फिर मैं एक्सपीरियंस वाले पे बात करूँगा। दोनों का फीस भी अलग अलग है, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। प्लेसमेंट के लिए आपको रेडी किया जाएगा, डेली प्रेजेंटेशन होगा, असाइनमेंट आपका डेली होगा, कोड एग्जीक्यूशन टेस्ट वीकली आपका चलेगा, मॉक इंटरव्यू टेस्ट आपका वीकली होगा,
ग्रूमिंग सेशन होगा, वीकली टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन होगा, एचआर इंटरव्यू क्लासेस होगा, ये सारी चीजें प्लेसमेंट एक्टिविटीज में आ जाती है। अब आ जाते हैं आपके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, आपके प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए क्या क्या चीजें आपको सिखाई जाएंगी, कैसे कैसे आपको रेडी किया जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप एडमिशन लेंगे उसके कुछ दिन के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसको आपको प्रेजेंट करना होगा ऑन बोर्ड। आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और हर ग्रुप के लिए मेंटर रख दिए जाएंगे। आप जो भी सॉफ्टवेयर सीखेंगे, लाइक आप जावा सीख रहे हैं, कोर जावा है, एडवांस जावा है, HTML, CSS, जो भी आपकी क्लासेस होगी कंप्लीट, उसके बाद फिर उसका जो प्रेजेंटेशन होगा उसको जब आप प्रेजेंट करेंगे बोर्ड पे, वहाँ पे आप अगर फंसते हैं, कुछ गलती होती है, कुछ गड़बड़ होता है, तो आपके जो मेंटोर होंगे, आपके जो फैकल्टी होंगे, वो आपको गाइड करेंगे, आपको करेक्ट करेंगे। इस तरह से आपकी डेवलपमेंट होगी, आपकी ग्रूमिंग की जाएगी। इसमें आपका कम्युनिकेशन भी आ जाता है, इसके अंदर आपका स्किल्स भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल डेवलप करती रहती हैं आपके प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन के बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस चलेगा, मॉक इंटरव्यू का प्रोसेस, जिसमें इंस्टीट्यूट के ही फैकल्टी आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे। एंड इंटरव्यू में आपको अचीव करना होगा स्टार रेटिंग। इनके अंदर 4 कैटेगरी है। स्टार रेटिंग होता है जो कि एक्सीलेंट के लिए होता है, उसके बाद फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। अगर आपका स्टार रेटिंग जब तक नहीं आएगा तब तक आप फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए, यानी प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप एक बार मॉक इंटरव्यू देते हैं और आपका स्टार रेटिंग अचीव नहीं होता है तो फिर से आपको रिपीट प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है फिर से आपको वो रेडी किया जाएगा, आप उसकी तैयारी करेंगे, फिर से मॉक इंटरव्यू देंगे। मॉक इंटरव्यू देने के बाद जब आपका स्टार रेटिंग अचीव हो जाएगा देन यू आर गुड टू गो फॉर प्लेसमेंट राउंड इंटरव्यू। तो ये हो गया इनका प्लेसमेंट का प्रोसेस। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये फ्रेशर वालों के लिए था। अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस्ड वाले बंदों के लिए। तो एक्सपीरियंस्ड वाले बंदे को कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे कि कोर्स कराएंगे वो 3 कैटेगरी में सिखाएंगे आपको। एक तो फ्रंट एंड के लिए आपको रेडी करेंगे, मिडिल वर्क के लिए रेडी करेंगे, उसके बाद फिर बैक एंड के लिए आपको ये टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। फ्रंट एंड के लिए जो आपको टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी वो आपका होगा HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, ये आपके फ्रंट एंड के लिए टेक्नोलॉजी सिखाई जाएंगी। उसके बाद फिर मिडिल वर्क के लिए आ जाएगा तो वो होता है JDBC, सर्वलेट। उसके बाद फिर बैक एंड के लिए आपको SQL सिखाया जाएगा एंड उसी के बेस पे आपको प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे इंडस्ट्री लेवल के, और फिर उन सब के बेसिस पे आपको एज ए एक्सपीरियंस प्लेसमेंट दिलाया जाएगा। तो ये सारा इनका कोर्स का डिटेल्स हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं फीस की, एक्सपीरियंस वाले का कितना फीस होता है और फ्रेशर स्टूडेंट्स का कितना फीस होता है। फ्रेशर का जो फीस होने वाला है विथ डिस्काउंट जो कि उनका ऑफर चलता है, वन शॉट में अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको 34,950 रुपीज़ पे करना है, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो 2 इंस्टॉलमेंट में आपको कंप्लीट करना है और वो 10 डेज के अंदर अंदर आपको कंप्लीट कर देना है, जिसका फीस होने वाला है 37,950 रुपीज़। ये फॉर फ्रेशर्स है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट के कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपका फीस होने वाला है 41,950 रुपीज़, अगर वन शॉट में अगर आप पे करते हैं तो, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो आपका फीस होने वाला है 44,950 रुपीज़ फॉर एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स। तो ये इनका फीस स्ट्रक्चर हो गया। टोटल 6 मंथ्स का ये कोर्स होने वाला है और आपकी जो वैलिडिटी होने वाली है वो 1 ईयर का कंप्लीट वैलिडिटी होने वाला है। जब से आप एडमिशन लेंगे तब से आपका 1 ईयर का वैलिडिटी रहेगा। वहाँ आप जाकर के हेल्प ले सकते हैं, प्लेसमेंट के लिए कुछ भी सीखना है आप जाकर के सीख सकते हैं। आफ्टर 1 ईयर ये आपका एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये इनका फीस का और एडमिशन का प्रोसेस हो गया पूरा और इनकी वैलिडिटी हो गई। तो गाइज ये था जे स्पाइडर इंस्टीट्यूट के जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट का फुल डिटेल। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करो। कुछ पार्ट अगर रह गया है, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूँ या मुझसे छूट गया है, या फिर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत बात हुई तो कमेंट में ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर कोई लंबी बात होगी
तो फिर उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, और जो भी डिटेल्स होगा आपका कोर्स से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो वहां पे वन टू वन मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।